तो हमने मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है और अब हम देखने वाले हैं कि जो टेस्टिस होती है विच इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल्स, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देखो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। मतलब एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। सो देर आर 250 लॉब्यूल्स इन अ टेस्टिस और हर एक लॉब्यूल के अंदर ऐसे 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो दिस इज़ वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज 2, 3, 4। तो एक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल्स और एक लॉब्यूल में 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, देयर आर स्पर्म मदर सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस करके स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अंदर इनके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो स्पर्मेटोगोनिया की होती है और यहाँ पर ये मैंने स्पर्मेटोजोआ दिखाया है जिनको हम कॉमनली स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड बाई मियोसिस इनसाइड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा तो ही स्पर्म बनता है। और ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है इस स्पेस को हम इंटरस्टीशिया कहते हैं, मतलब जो इंटरट्यूब्यूल स्पेस होता है दो या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टीशिया। और इंटरस्टीशियल सेल्स मतलब इंटरस्टीशिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम इंटरस्टीशियल सेल्स कहते हैं। इन्हीं सेल्स को हम लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं और यही सेल्स होते हैं जो कि एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन्स एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं तो वो इंटरस्टीशियल सेल्स से आते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ चुका है, 1 मार्क में आ चुका है कि व्हाट आर द सेल्स या विच आर द सेल्स विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। तो दीज आर द इंटरस्टीशियल सेल्स। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है स्पर्म का। स्पर्म जो होता है वो एक मतलब मेल गैमीट होता है, हैप्लोइड होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ स्पर्म। तो ये स्पर्म की बॉडी है, इसमें हेड, नेक, ट्रंक और टेल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेड में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म को ओवम स्पर्म को हेल्प करते हैं ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, फादर की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस में होती है। ये नेक रीजन है, ये नेक रीजन स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। ये जो ट्रंक है जो इसको हम मिडिल पीस भी बोलते हैं, मिडिल पीस, इस मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगातार स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं क्योंकि एनर्जी जो स्पर्म है उसको बहुत ज़्यादा स्विम करके जाना पड़ता है। इट हैज़ टू बी वेरी एक्टिव व्हेन इट्स ट्राइंग टू रीच द ओवम। तो वो एक्टिविटी कब आती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करके इसको एनर्जी प्रोड्यूस करके देंगे और ये जो टेल है ये इसको स्विम करने में हेल्प।